इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम लोग वर्चुअल बॉक्स को सेटअप करके एक लिनक्स इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं जिसमें हम लोग दो डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे लिनक्स ओबन टू एंड लीनक्स सेंटोएस वर्चुअल बॉक्स पे कैसे सेटअप करना है स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपली गूगल पे आपको सर्च करना है वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड एंड इसके बाद जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी वर्चुअल बॉक्स डॉट ओ आर जी इस पर आपको क्लिक करना है एंड सिंपली आप विंडोज़ पे क्लिक करोगे सो आपका जो इंस्टॉलर है वो डाउनलोड हो जाएगा मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है सिम्पल इस पर आप डबल क्लिक करो एंड उसको इंस्टॉल कर दो परमिशन दे देना सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करना है एंड वार्निंग जो है नेटवर्क की उसको येस कर देना है सिंपल एंड ये हमारा जो वर्चुअल बॉक्स है डाउनलोड हो जाएगा सो so, यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ मैं एंड सिंपली इसके बाद आपको फर्स्ट टाइम इस टाइप का डैशबोर्ड दिखता है Linux CentOS सेटअप करने के लिए सिंपली हम गूगल पे जाएंगे CentOS डाउनलोड और आप सर्च कर लेना इसके बाद जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखेगी CentOS.org डॉट ओ आर जी इसके डाउनलोड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है CentOS स्ट्रीम नाइन जो इनका लेटेस्ट वर्जन है इसका जो सिक्सटी फोर इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पर हमारा जो आई एस ओ फाइल है वो ये हो गई है डाउनलोड इसके बाद हम फिर से चलेंगे वर्चुअल बॉक्स में एंड पहले तो हमें वर्चुअल मशीन बनाना है इसलिए हम न्यू पे क्लिक करेंगे न्यू एंड यहाँ पे वर्चुअल मशीन का नाम दे देंगे जैसे कि सेंटो एस किस फोल्डर में आपको इस ये बनाना है वर्चुअल मशीन सो so मैं यहाँ पे डी ड्राइव में एक फ़ोल्डर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि सी ड्राइव में वैसे ही स्पेस हमारे पास कम होता है सो so आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग सो so मैं सिंपली यहाँ पे आदस पे जाके एंड यहाँ पे डी ड्राइव एंड यहाँ पे एक फोल्डर ऑलरेडी बना है वर्चुअल बॉक्स तो उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसके बाद यहाँ पे आप टाइप ऑलरेडी रिकोगनाइज़ कर लिया है उसने एंड नेक्स्ट करते हैं एंड इसके बाद इट इज़ आस्किंग फॉर रैम कि रैम कितनी प्रोवाइड करनी है बाय डिफ़ॉल्ट टू जी बी यहाँ पर प्रोवाइडेड है वन सी पी ओ सो हम डिफ़ॉल्ट के साथ जाते हैं काफ़ी है उतना एंड इसके बाद so हार्ड डिस्क तो मैं ट्वेंटी जी बी डिफ़ॉल्ट तो मैं ट्वेंटी फाइव जी बी कर देता हूँ सो दैट हम आगे तक के लिए निश्चिंत रहे इसके बाद हम सिंपली नेक्स्ट करके फिनिश कर देंगे हमारा वर्चुअल मशीन यहाँ पे बन गया है फाइनली सिंपली इसको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं इसके बाद इट इज़ आस्किंग फॉर द आई एस ओ फाइल्स सो जो जो आई एस ओ फाइल हम लोग ने डाउनलोड करी थी लिनक्स सेंटोएक्स सेंटोएस की सॉरी सो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे डाउनलोड फोल्डर में देखोगे सेंटोएस स्ट्रीम वाली जो आई एस ओ फाइल है ऑलरेडी प्रेजेंट है सो मैं इसको ओपन करता हूँ एंड माउंट एंड री ट्राई बूट सो वो उस फाइल को ले कर सेंटुएस को बूट कर देगा एंड इंस्टॉल भी सो इंस्टॉल सेंटुएस स्ट्रीम सिंपली आपको क्लिक करके एंटर प्रेस करना है ओके सो फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमारा सेटअप स्टार्ट हो गया है सिंपली आपको लैंग्वेज uh, सेलेक्ट करना है तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ इस स्क्रीन पे आपको जो भी रेड में दिख रहा है आपको सिर्फ वो फिक्स करना है ओके सो यहाँ पे रूट पासवर्ड हो गया या तो आपका इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन हो गया सो ऑन so so, सब सबसे पहले डेस्टिनेशन पे चलते हैं यहाँ पे देखो कि ट्वेंटी फाइव जी जो हम लोग ने बनाया था स्टार्टिंग में वो सिलेक्ट करके आपको डन करना है ठीक है तो वो डिस्क कौन सी डिस्क पर आपको सेंटवे इंस्टॉल करना है इसके बाद रूट पासवर्ड में चलते हैं रूट जो एडमिन यूज़र है उसका पासवर्ड तो सिंपली रूट रूट मैंने दे दिया सिंपल सा पासवर्ड एंड अलाउ एस इसको आप इनेबल कर लेना एंड इसके बाद हम लोग सिंपली डन करते हैं सो so, ये तो रहा रूट पासवर्ड एंड अपना जो डिस्क स्पेस था वो हम लोग ने प्रोवाइड कर दिया रेड वाले सारी चीज़ें हट गई हैं एंड इसके बाद सिंपली आप बिगिन इंस्टॉलेशन कर सकते हो सो so, मैं बिगिन इंस्टॉलेशन पे क्लिक करता हूँ एंड या दैट्स से सो कुछ ही टाइम में हमारा ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा फिनिश एंड इसके बाद रिबूट आपको सिस्टम करना है एंड उसके बाद आपका फर्स्ट टाइम इस टाइप से वेलकम टू सेंटोस स्ट्रीम नाइन का एक ऐसा स्क्रीन दिखेगा आप सिंपली नेक्स्ट uh, नेक्स्ट कर सकते हो लोकेशन सर्विसेज मुझे नहीं भेजनी है डिसेबल कर देता हूँ नेक्स्ट एंड इसको स्किप कर देते हैं एंड ये देखो ये जो आपका क्या है पहली बार जो आप यूज़ कर रहे हो एक हो गया एडमिन यूज़र एक हो गया दूसरा नॉर्मल यूज़र तो हम लोग एक नॉर्मल यूज़र बना सकते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करने के लिए मैं सिंपल टेस्ट या तो आप कोई भी एक यूज़र का नाम दे दो ठीक है जैसे कि मैं दे देता हूँ पॉल यूज़र ठीक है जो मेरा फेवरेट है एंड उस पॉल यूज़र का पासवर्ड ठीक है तो दो यूज़र होगा एक रूट यूज़र एक ये पॉल यूज़र इसका भी पासवर्ड सिंपल सा मैं पासवर्ड दे देता हूँ जैसे कि रूट रूट ही रख देता हूँ फोन फोन नाउ नॉर्मली एंड उसको नेक्स्ट कर देते हैं ठीक है सो ऑल डन एंड ऑल सेट इसके बाद फर्स्ट टाइम हमारा है। कुछ इस टाइप का विंडो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आप पता है इसके बाद सिंपली क्या करो जो आपका विंडोज़ जो कीबोर्ड है उसका जो विंडोज़ वाला जो uh, चलिए यहाँ पे नो no थैंक्स कर देते हैं हाँ सो ये जो विंडो वाला बटन है ना आपके कीबोर्ड पे आप उसको क्लिक करोगे तो उसके बाद जैसे ही विंडोज़ वाला मैं बटन क्लिक करता हूँ सो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे आप सारे ऐप्स देख सकते हो एंड इसके साथ ब्राउज़र है आपके पास टर्मिनल है एंड मेनली हम लोग लिनक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं सीख रहे हैं तो हम लोग को ये टर्मिनल से ज़्यादा मतलब है या तो ज्यादा यूज है ठीक है तो ये टर्मिनल हमारा ओपन हो गया सो दिस इज अवर लिनक्स टर्मिनल यहाँ पे आप अपनी लिनक्स की कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो सो so ये रहा हमारा सेंटोएस का इंस्टॉलेशन वर्चुअल बॉक्स में ओवन टू सेटअप करने के लिए सिंपली गूगल पर सर्च करना ओवन टू आई एस ओ डाउनलोड एंड जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ओबन टू डॉट कॉम इनकी वेबसाइट पे चले जाना है एंड यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन है जो इनका लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला जो लेटेस्ट वर्जन है इस पर डाउनलोड पे हम क्लिक करके ये फाइल डाउनलोड कर लेंगे ये देखो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है फाइल ओके सिस्टम रिक्वायरमेंट जरूर देख लेते हैं इसमें अगर आप देखोगे फोर सिस्टम मेमोरी जो रैम है इसमें ज़रूरत है ट्वेंटी हमें हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ेगी इसके बाद वर्चुअल बॉक्स में चलते हैं एक नया वर्चुअल बॉक्स बना लेते हैं वर्चुअल मशीन सॉरी इसका नाम दे देते हैं ओवन एंड इसके में जो फोल्डर है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अगेन डी ड्राइव बिकॉज हम सी ड्राइव में अपना स्पेस को सेव कर सकें वर्चुअलोडन टू okay, का आईएसओ फाइल हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं ठीक है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एंड इसमें आपके पास यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड ऑलरेडी प्रोवाइडेड है सो so ये जो डिफॉल्ट यूजर जो बनता है ठीक है पासवर्ड इसका डिफॉल्ट जो है चेंज भी होता है इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हार्डवेयर में एंड रैम यहाँ पे सेलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ पे एडजस्ट करके यहाँ पे फोर जी बी कर देता हूँ फोर जी बी रैम क्योंकि यहाँ पे इसमें इसको ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है एंड थोड़ा सा फास्टर होगा इसका इंस्टॉलेशन सो फोर जी बी रैम कर दिया है इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट वर्चुअल डिस्क यहाँ पे ट्वेंटी फाइव जी बी डिफ़ॉल्ट है एंड नेक्स्ट या दैट्स सेट सो हमारा वर्चुअल मशीन बन गया मैं सिंपल स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे हमारा वन टू का सेटअप रेडी है एंड इस तरह से आपको दिखता है ठीक है चलिए इसके बाद हमारा इंस्टॉलेशन जो है यहाँ पे शुरू हो जाएगा सिंपली uh, हम लोग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे इंग्लिश नेक्स्ट करेंगे इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है आपको जो भी डिफॉल्ट सेटिंग से एंड ऑल ठीक है all, यहाँ भी नेक्स्ट कनेक्ट टू द इंटरनेट येस ओके okay, इसके बाद एक ऑप्शन देखिएगा क्रिएट यूअर अकाउंट सो यहाँ पे एक टेस्ट यूज़र बनाना पड़ेगा सो so, हम लोग सिंपल एक पॉल यूज़र बना लेता हूँ पॉल दे देता हूँ एंड इसका पासवर्ड भी आपको सेट करना पड़ेगा तो so, मैं सिंपल एक पासवर्ड यूज़ कर लेता हूँ रूट रूट जैसे कि एंड इसके नेक्स्ट कर लेते हैं एंड आपको रीजन यहाँ पर सेलेक्ट करना आप चेंज भी कर सकते हो एंड इसके बाद सिंपली हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे थोड़ी ही देर में आपका ये जो ओबन है इंस्टॉल हो जाएगा ओके okay, सो so, यहाँ पे हमारा बूट अप होने लगा रहा है ओवन टू एंड सी जो हम लोग ने यूज़र बनाया था पॉल वही यहाँ शो कर रहा है हम इस पर क्लिक करते हैं इट इज़ आस्किंग फॉर द पासवर्ड जो हम लोग ने सिंपल रूट पासवर्ड यूज़ किया था रूट तो मतलब जो भी आपने पासवर्ड सेट किया वो एंड उसके सिंपली एंटर करना है आपको तो यहाँ पे आपका जो ओवन टू का सेटअप है स्टार्ट हो जाएगा ओके सो फर्स्ट टाइम आपका कुछ सेटअप और जो आपका डेस्क इस तरह से दिखता है सो so हम लोग फिनिश कर लेते हैं इसका सेटअप सिंपली नेक्स्ट कर लेता हूँ जल्दी से एंड यहाँ पे अपग्रेड करना है तो स्किप फॉर नाउ नेक्स्ट एंड इसके बाद यूज़र डेटा मैं सिंपली नो कर देता हूँ फॉर नाउ बिकॉज हम लोग सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं हमें ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट एंड फिनिश एंड इसमें भी अगर आप विंड यहाँ पर जाके सारे ऐप्स देख सकते हो एंड विंडोज़ वाला जो आपका बटन है की है आपके कीबोर्ड में उसको सेलेक्ट करके आप सर्च भी कर सकते हो जैसे कि टर्मिनल में सर्च कर रहा हूँ टर्मिनल आप ओपन कर सकते हो ऐप्स देख सकते हो एंड ये रहा हमारा मेन टर्मिनल ओबन टू का जिसमें आप अपनी लिनक्स रिलेटेड कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो जैसे कि एल एस पी डब्ल्यू डी होश नेम एक्सेट्रा ओके एंड यहाँ पे आप जाके जो बाकी बाय डिफॉल्ट जो एप्स आते हैं वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेटिंग अप द ओबन टू ऑन वर्चुअल मशीन एंड विंडोज़